नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जीत हासिल करने वाले और अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने को तैयार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन को चीन ने लगभग एक हफ्ते बाद शुभकामनाएं दी हैं। चीन ने कहा है वो अमेरिकी जनता की पसंद का सम्मान करता है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते पिछले चार दशकों में सबसे ठंडे दौर में चल रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनविन ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम अमेरिकी जनता की पसंद का सम्मान करते हैं, हम मिस्टर बाइडन और मिसेज हैरिस को बधाई देते हैं। बता दें कि चीन रूस और मैक्सिको समेत उन कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति को उनकी जीत पर बधाई नहीं दी थी। बीजिंग ने इस हफ्ते ये भी कहा था कि उसने देखा है कि मिस्टर बाइडन ने खुद को विजेता घोषित किया है। बता दें कि अमेरिकी चुनावों के नतीजे सामने आ जाने के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन से औपचारिक तौर पर हार घोषित नहीं की, जैसा कि अमेरिकी चुनावों की परंपरा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार बाइडन को गुरुवार देर रात एरिजोना में भी जीत मिल गई। वो ट्रंप से 5 मिलियन वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर गुरुवार को एक आधारहीन आरोप लगाते हुए ट्वीट को रीट्वीट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि चुनावों में देश भर में उनके लिए डाले गए 2.7 मिलियन वोट डिलीट कर दिए गए। हालांकि अमेरिकी चुनाव अधिकारियों ने कहा है कि बैलेट से समझौता होने या फिर वोटिंग प्रक्रिया में किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।